रिपोर्टर की खबर की हुई पुष्टि, पूर्व राज्य मंत्री के एल अग्रवाल ने दिया सिंधिया को समर्थन, साथ ही उनके पुत्र कांग्रेस में हुए शामिल। हजारों कार्यकर्ताओं के बीच पूर्व राज्य मंत्री के एल अग्रवाल ने दिया सिंधिया को आत्मीय समर्थन। गिले शिकवे भुलाकर कहा, राजनीति नहीं, सिंधिया परिवार के साथ उनके पुराने संबंध हैं। आज देश में कहीं भी चले जाओ, भाजपा के कार्यकर्ताओं में असंतोष है। शनिवार को शहर के स्थानीय एक होटल प्रांगण में पूर्व राज्य मंत्री के एल अग्रवाल द्वारा आयोजित पूर्व से तय कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। इस मौके पर सांसद श्री सिंधिया के पहुंचते ही पूर्व राज्य मंत्री के एल अग्रवाल और उनके बेटे ऋषि अग्रवाल द्वारा उनका आत्मीय सम्मान के साथ स्वागत भी किया गया। सांसद श्री सिंधिया के साथ मंच पर उपस्थित स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट, श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विठल दास मीना, योगेंद्र लुम्बा, देवेंद्र गुप्ता, हरि सिंह विजयवर्गीय, जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना चौहान, बबलू चौहान उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आत्मीय समर्थन देते हुए कहा है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सांसद श्री सिंधिया को पुनः बहुमत क्षेत्र से विजय करना है। उन्होंने कहा कि इस बार हम सब मिलकर एक ऐतिहासिक बहुमत बनाना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जो बोलता हूँ वही सत्य बोलता हूँ। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि उनके रिश्ते आज के नहीं है, अपितु सिंधिया परिवार से वर्षों पुराने उनके संबंध हैं। उन्होंने कहा कि राजमाता सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया सहित स्वर्गीय माधवराज सिंधिया के साथ काम करने का मौका मिला, जिनके आशीर्वाद से ही मुझे राजनीति में सफलता मिलती चली गई। उनका एक ही उद्देश्य है कि सिर्फ विकास होना चाहिए, विकास की उनकी पहली प्राथमिकता है। कार्यक्रम के अंत में सांसद सिंधिया को के एल अग्रवाल और उनके बेटे ऋषि अग्रवाल ने मां पीताम्बरा की तस्वीर भी भेंट की। उन्होंने श्री सिंधिया से निवेदन करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उनका कोई विधायक और मंत्री नहीं है। मेरे कार्यकर्ताओं के साथ बदले की भावना के साथ कोई कार्यवाही नहीं होगी। कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हुए कहा कि ऐतिहासिक जीत के साथ सिंधिया को एहसास करा दो कि कम से कम इस बार 3 लाख मतों से विजयी बनाना है। उन्होंने प्रवाजा और जयवंत सिंह पवैया पर हमला बोलते हुए कहा कि आज कहीं भी चले जाओ, कार्यकर्ताओं में असंतोष है, कार्यकर्ता असंतुष्ट है। भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, ताई सुमित्रा महाजन, मुरली मनोहर जोशी जैसी पार्टी नहीं बची। आज के भाजपा नेता कार्यकर्ताओं को झूठ बोलकर बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। श्री अग्रवाल ने कहा है कि प्रभात झा जैसे नेता पंचायत का चुनाव नहीं जीते, पंच का चुनाव नहीं जीते और सीधे दो दो बार राज्यसभा में पहुंच गए। यह कार्य उन्होंने चमचागिरी करके ही किया है। सभा के संबोधन को दौरान एक ओर श्री अग्रवाल ने सिंधिया परिवार के साथ अपने पुराने रिश्तों की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा से दूर होने की टीस भी दिखी। उन्होंने कहा कि मैंने बगैर किसी राजनीतिक स्वार्थ के वर्तमान चुनाव में एक सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार को समर्थन दिया है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, 55 लाख किसानों का कर्जा माफ होगा। मध्य प्रदेश में एक किसान भी ऐसा नहीं बचेगा जिसका कर्जा माफ नहीं होगा। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का वचन और आश्वासन है आप लोगों को, और हर एक गाँव में, हर एक क्षेत्र में आप जाके कह देना कि सिंधिया परिवार की जो सोच है कि जान जाए पर वचन न जाए, एक एक किसान का कर्जा माफ होगा। सुन रहा था कि एल अग्रवाल जी को, मैं सुन रहा था सिसोदिया जी को, आज की सभा और आज की संगोष्ठी मेरे भाइयों और बहनों राजनीति के संदर्भ का नहीं है। दुख तो मुझे ये होता है, मन में अत्यंत पीड़ा भी है, क्योंकि मैंने चुनाव में सबसे ज्यादा मेहनत करी थी। 2014 के चुनाव में पवैया जी हमारे प्रत्याशी हुआ करते थे, पूरी ताकत लगाई, पूरे जिले में ताकत दिखा भी दी, लेकिन चुनाव के बाद वो लौट के नहीं आए। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आए तो, लेकिन आपको एक मौका मिला था प्रभारी मंत्री के रूप में, गुना और अशोक लैंड के प्रभारी मंत्री के रूप में। तो भाई श्रीमंत सिंधिया जी तो एक राज परिवार में पैदा हुए हैं, अगर 3 बार कपड़े बदले तो भी हम सेल कर लेंगे। आप 3-3 बार ड्रेस काई के लिए चेंज करते हो, आपको थोड़ी बार में पैदा नहीं हुए ना, केवल एक बोलना बोलना प्रभात क्या बोल रहे थे, मैं जांच करवा दूंगा शिवपुरी में आज तक बोले का, केवल झूठ बोलो और कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाते रहो। लेकिन इस कार्यकर्ता को अगले 5 साल तक ये एहसास नहीं होना चाहिए। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आज इनका कोई विधायक नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कोई कंट्रोली दुकान करता है, कोई धंधा करता है, अगर ये बेईमानी कर रहे हैं तो निश्चित इनको मत छोड़ना, लेकिन बदले की भावनाओं से कार्रवाई नहीं होगी, ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। लेट महाराज श्री माधव राव जी सिंधिया, क्योंकि उस समय मैं ठेकेदारी का काम करता था, आपके भी ध्यान में होगा कि जब बुरा का जो आरोपी बनाया मैंने 1990 में,
तब श्रीमत राजमाता साहब उस समय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। राजमाता साहब इसके भूमि पूजन के लिए पधारी और जब मैं मंच पर उनका स्वागत करने पहुंचा तो राजमाता साहब ने मुझसे बोला इस पुल को 2 साल के अंदर पूरा करो। ये राजमाता साहब की ललक थी विकास के लिए, 2 साल में आप इसको पूरा करो। ये स्वतंत्र है, इनका समर्थन मेरे लिए है और आज भी ये स्वतंत्र है और उसका मैं सम्मान करूँ। महाराज क्या आप भाजपा के अन्य नेता जो पीड़ित हैं भाजपा की रीति नीति से उनको भी आह्वान करेंगे कि वह भी पार्टी छोड़ के कांग्रेस का साथ दें? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ जी कि भाजपा का कौन सा नेता पीड़ित नहीं है जी? वर्तमान के भाजपा के नेतृत्व से कई लोग बहुत पीड़ित हैं और अपनी पीड़ा सुनाते हैं, कई लोग अपनी पीड़ा को पी ही जाते हैं। नहीं, आपने पर मैं नहीं मानता कि कोई भी भाजपा में बच्चा है जो पीड़ित ना हो। हमारे सम्मान्य परम श्रद्धे अडवाणी जी से, परम श्रद्धे मुरली मनोहर जोशी जी से, हम मेरी अपनी कि मेरा एक व्यक्तिगत संबंध भी उनके साथ है, ताई से या जमीनी हमारे के एल अग्रवाल जी जैसे हमारे सम्मानीय लोगों से या जमीनी कार्यकर्ता, कौन सा व्यक्ति है जो पीड़ित नहीं है? भारत तो वैसे ही पीड़ित है लेकिन भाजपा का एक एक कार्यकर्ता और नेता भी पीड़ित है। अरे गुना इस बार भी क्या मोदी या सावित्रीबाई फूले जी से या इटावा के सांसद अशोक धोरे की बात करो, हर व्यक्ति आज पीड़ित है क्योंकि भाजपा ही अपने संस्कारों से आज भटक चुकी है। इस बार भी मोदी लहर है क्या? आप तो स्वयं देख रहे हैं कि लहर किसकी है।